नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। मेराल से हमारे संवाददाता विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। मेराल प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा का आयोजन कर आकर्षक पूजा पंडाल सजाया गया है। इस क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरस्वती पूजा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मंगलवार की सुबह बच्चों ने पूजा स्थल पर जाकर पूजा अर्चना किया। वहीं मेराल प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के हसनदा गांव में ज्ञान गंगा मेमोरियल एकेडमी विद्यालय के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने संगीत नाट्य डांस प्रस्तुति कर अभिभावकों का मन मोह लिया। विद्यालय के निदेशक हरेंद्र चौधरी ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम पर बच्चों को मंच के माध्यम से अपने अपने कला को प्रस्तुत कर प्रतिभा निखारने के लिए मंच प्रदान किया। इस क्षेत्र के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आयोजित पूजा पंडालों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया और श्रद्धालुओं के बीच विशेष प्रसाद बुंदिया और गाजर का वितरण किया गया। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते हुए ज्ञान गंगा मेमोरियल एकेडमी के प्रधानाध्यापक आदरणीय हरेंद्र कुमार चौधरी जी, इनके सहयोगी शिक्षक, हमारे पत्रकार विवेकानंद चौबे जी, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, पत्रकार यासीन अंसारी जी, भाई मुना चौबे जी, प्रणय कुमार चौबे जी, अंबिका विश्वकर्मा जी, हमारे छठन चौधरी जी, मैं कितना के नाम धरूं? दहेज हमको नहीं लेना चाहिए। जिस तरह बेटी की जितनी भागीदारी होती है उतना ही भागीदारी बेटे का भी होता है। बेटा जब हमारा है और बेटी जब आपका है तो दहेज किस बात का? इसलिए दहेज जरूर कम होना चाहिए, दहेज एकदम नहीं लेना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ, ये मंच की ओर से। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।